उलमाए किराम के इंटरव्यू, शोराए किराम से गुफ्तगु आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल लेमरा न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। खत्म करो, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के लैंग्वेज इस्तेमाल करी, बहुत गलत लैंग्वेज इस टाइम प्रशासन ने हमारे साथ इस्तेमाल करी है। क्या कुछ बदतमीजी भी लड़कों को थप्पड़ से मारा, जो लड़के किनारे खड़े थे, जो हमारे वॉलेंटियर्स थे हमारी हेल्प के लिए, जो जिनको रखा गया था, उन लड़कों को तमाचे मार मार कर पुलिस ले गई। और हमारी पूजा शुक्ला जो यहाँ पे थी मुस्तकिल लगी हुई है 9 दिन से, उनको भी उठा कर ले गई है। पुलिस का कहना है रस्सी लांग के इस तरफ नहीं आए थे। नहीं, वो रस्सी लांग के इस तरफ नहीं आए थे, वो बाहर खड़े थे। कुछ बुजुर्ग दूर पर खड़े थे, अपना जो भी थे वो अपनी महिलाओं को छोड़ने आए थे। पुलिस ने कहा है कि हम रस्सी लांग के इस तरफ नहीं आए थे। नहीं, अभी आप रस्सी लांग के यहाँ पर राउंड करने आए थे, अभी आप राउंड करने आए थे और बहुत ही हिटलर गिरी से सारी फोर्स लेके टहल रहे थे हमारे आजू बाजू, हमारे आस पास टहल रहे थे और हमसे भी बोला कि तुझको भी मारूंगा और तुझे घुसेड़ के भी तेरा सारा सिस्टम खराब कर दूंगा। ये सब सारी बातें यहाँ अंदर, हम लोग बैरिक में थे, बैरिक में हम लोगों को भगा रहे थे कि जो मर्द हैं, मर्द हजरात हैं, वो बाहर हो जाएं। तो कहने लगा तुझे भी मारूंगा, तेरे बच्चे को भी, घुसेड़ के भी सबको मारूंगा, जितनी महिला सबके तेरे सारे बुरखे उतार के तुम लोगों को मारूंगा। पुलिस को हिफाजत के लिए रखा जाता है कि बेइज्जती का, हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएं तो हम किससे उम्मीद रखें। हम तमाम इंडियन से अपील करना चाहेंगे, तमाम हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हम महिलाओं की हिफाजत करें, हम महिलाओं की हिफाजत करें, क्योंकि यहाँ पे तमाम समुदाय की औरतें हैं, यहाँ पर तमाम समुदाय की औरतें हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं। और आप सब पूरा इंडिया, पूरा भारत हमारा साथ दे, पूरा इंडिया हमारा साथ दे। हम अपने इंडियन भाइयों से अपील करना चाहेंगे, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, आई एम इंडियन। मेरे चेहरे से जाहिर होता है, मेरे तिरंगे से जाहिर होता है कि मैं इंडियन हूँ। आप तिरंगे की भी इज्जत नहीं कर पा रहे प्रशासन सरकार, आप तो तिरंगे की भी इज्जत नहीं कर पा रहे, तो आप इंडिया की क्या इज्जत करेंगे, हम महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे। जिस हिसाब से बर्बरता करी है इस टाइम प्रशासन ने, बहुत ही गलत किया है। और हम यही धरने पर बैठे रहेंगे, इनका मकसद हमारा धरना खराब करना था, जो कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको खराब करने की साजिश रची गई थी और वो साजिश में नाकाम हुए हैं। और हम यही धरने पर बैठे रहेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।